इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। यानी कांग्रेस LIC की पॉलिसी की तरह है, सत्ता के साथ भी सत्ता के बाद भी। LIC का है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये सत्ता में रहकर तो भ्रष्टाचार करते ही हैं, सत्ता के बाद भी इनके भ्रष्टाचार की परतें खुलती रहती हैं। आज इनकम टैक्स विभाग ने, ईडी अभी आपने देख लिया, CBI देख लिया, अब इनकम टैक्स पे आ जाइए। तो इनकम टैक्स विभाग ने गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल को बेनामी ठहराया है। 5-स्टार होटल इतना बड़ा, वो बेनामी प्रॉपर्टी है, और वो बेनामी प्रॉपर्टी है कांग्रेस के नेता और भजन लाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई का। ये बेनामी प्रॉपर्टी है, हरियाणा का सबसे जो ये मांगे होटल में से ये जो है, ये होटल है ब्रिस्टल। इसलिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो ब्रिस्टल होटल को करीब करीब 150 करोड़ का जो ब्रिस्टल होटल है, जिसमें आपको ठहरने की एक रात की कीमत 20,000 रुपये है, 5 से 20,000 रुपये, उस ब्रिस्टल होटल को बेनामी प्रॉपर्टी के रूप में कौन चला रहा था? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कांग्रेस का नेता चला रहा था। जो इस कंपनी का जो ब्रिस्टल होटल है, उस कंपनी की 34% हिस्सेदारी एक ऐसी कंपनी के पास है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड यानी टैक्स हेवन से संचालित होती है, यानी काला धन को सफेद करती है। चिदंबरम काला से सफेद, एसोसिएट जर्नल काला से सफेद, ये काला से सफेद, यानी रानी मधुमक्खी के जितने भी श्रमिक मधुमक्खी थे वो सब रानी मधुमक्खी के लिए काले धन के को सफेद करने के धंधे में जुटे हुए थे। ये बात धीरे धीरे साबित होती जा रही है। इस मामले में IT ने बिश्नोई के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है, और हरियाणा के ये पूर्व जो मुख्यमंत्री भजन लाल है, उनका ये बेटा है बिश्नोई, और इसका भाई भी इस घोटाले में फंसा है, जिसका नाम है चंद्र मोहन। दोनों भाई, ठीक है। छापेमारी में आपको 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली स्थित कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पे लगातार छापेमारी की गई है। ये जो ब्रिस्टल होटल है, ये ब्रिस्टल होटल गुड़गांव के सबसे पास इलाके कुतुब इनक्लेव फेज 1 में स्थित है, आपको बताऊं। और यहाँ 20,000 रुपये के एक रात का कमरा है, अब सोच लीजिए। और ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड, यानी ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड ये वही आयरलैंड है जहां से राहुल गांधी का पार्टनर, जिसके साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहा था, नीरव मोदी का भी संबंध है। और जो डायमंड कारोबारी नीरव मोदी है, नीरव मोदी भी इसी वर्जिन आयरलैंड से अपने काले को सफेद कर रहा था, काले धन को सफेद कर रहा था।